नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई से। पुलिस दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध महिला की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के खेरौली गांव में बुधवार देर शाम गांव निवासी वृद्ध महिला राजरानी पत्नी राजा राम की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला की बहू आरती पत्नी प्रताप ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी सास की मौत के पहले ही हल्का सिपाही संतोष यादव ने अपने हमराही सिपाही के साथ उसके घर में कच्ची शराब बनने की सूचना पर छापेमारी की थी, जिसमें एक सिपाही ने उसकी सास से कच्ची शराब बनाने की बात कहते हुए उसको मारा पीटा, जिसमें उसकी मां की हालत बिगड़ गई और उसकी कुछ ही देर बाद घर में ही मौत हो गई। क्या हुआ आपके साथ में जब ये पुलिस वाले आए, क्या हुआ? पूरे नहीं तो गरमा बाहर डिब्बा दूसरे का उठाए के ले आए, अब मोरा पर यहाँ गेट पर यहाँ कुराई देने आए, कहा तुमका बूढ़ा ले जीवो तुमका मरी वो मतलब माती मार डारो ने। अच्छा, क्या कैसे क्या किया मारते उसमें, कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, एक लात मारी ऐसे ठोर दो बे होश हो गई, कतई कतई साख टकार नहीं लेनी तुत्ते प्राण छूटी गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पुलिस आई सब ढूंढवा नहीं करमा, कहा ढूंढा तो कुछ नहीं साहब नहीं करो कुछ ना। अच्छा, ये जो आपकी महिला जो वृद्धा नहीं रही, वो कौन क्या थी आपकी? सास थी, सास थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आरती। हालांकि पुलिस को राजरानी के घर से लहन और कुछ मात्रा में कच्ची शराब भी मिली थी। घटना में वृद्ध की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर शहर व देहात कोतवाली पुलिस सहित सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। गुरुवार को एसपी अनुराग वत्स के आदेश पर पैनल बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। हालांकि पोस्टमार्टम सूत्रों के अनुसार घटना में हत्या जैसी कोई बात स्पष्ट नहीं हो सकी, जिसके बाद काफी गहमा गहमी के बीच भारी संख्या में पुलिस और पीएसी टीम और सीओ की मौजूदगी में शव का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरदोई से वीरोचि रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।